नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। मैं दीपिका जांगिड़ आपके साथ। राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी का 67वां जन्म दिवस किला स्थित मां पीताम्बरी देवी की पीठाधीश्वर महंत मोहन लाल के सानिध्य में इंदिरा रसोई के संचालक एवं भामा शाह शिशुपाल लवानिया, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश महामंत्री घनश्याम शर्मा, ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष कौशलेश शर्मा, पार्षद दीपक मुद्गल, पार्षद मुकेश कुमार बनवारी लाल शर्मा, केदार शर्मा, पीयूष टाइगर, विप्र समाज के जिला अध्यक्ष ताराचंद शर्मा, ब्राह्मण समाज के मंत्री जीवन लाल शर्मा, बाबूलाल कचारा, संजय लवानिया, पुष्पेंद्र लवानिया सहित ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने भी डॉक्टर महेश जोशी की दीर्घायु की कामना के लिए मां पीताम्बरा देवी के चरणों में हवन कर मंगल कामना की। इस मौके पर महंत मोहन लाल ने कहा है कि अंग्रेजों ने जन्मदिन पर केक व मोमबत्ती जलाना सिखाया था और उसी परिपाटी पर चलना गलत है। मां के चरणों में दी गई आहुतियों से दीर्घायु के साथ उनकी परिजन पर भी मां का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। 2 घंटे चले हवन में सैकड़ों लोगों ने आहुति देकर महेश जोशी की दीर्घायु के लिए कामना की है। राजस्थान सरकार की कोरोना काल में घर घर औषधि योजना का ब्लॉक स्तरीय जन जागृति कार्यक्रम ब्लॉक के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हिंगवा हेड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें समस्त विद्यार्थियों व विद्यालय स्टाफ को राजस्थान सरकार द्वारा घर घर औषधि योजना के तहत 500 औषधीय पौधे, गिलोय, तुलसी, कालमेघ तथा अश्वगंधा की किट का वितरण क्षेत्रीय वन अधिकारी विकास शर्मा के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा किया गया है। और इस अवसर पर लोक गायक माता दीन व उनकी टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक, लोकगीत तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा घर घर औषधि योजना के लिए जन जागृति कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ताराचंद शर्मा ने सभी विद्यार्थियों व शिक्षकों को अपने अपने घर पर औषधीय पौधों को लगाने के लिए प्रेरित किया है तथा इनके महत्व पर प्रकाश डाला है। कार्यक्रम संचालन शिक्षक महेंद्र सिंह बर्मन ने किया और इस अवसर पर वन विभाग की टीम के प्रदीप यादव, महेंद्र सिंह सैनी, सुखबीर सिंह, हवा सिंह तथा स्कूल के शिक्षक सुरेंद्र सिंह यादव, ओम प्रकाश सैनी, चंद्रभान आदि मौजूद रहे। तो जानगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने स्थित शर्मा भोजनालय के मालिक का सोते हुए चोर मोबाइल चुरा कर ले गए हैं, जिसकी सारी करतूत भोजनालय में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ कैद हो गई। भोजनालय के मालिक राजकुमार शर्मा ने पुलिस थाने में लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि मैं दोपहर में मोबाइल चार्ज लगाकर सो रहा था, जागने पर मोबाइल नहीं मिला तो सीसीटीवी फुटेज को देखने पर चोर की पहचान लाडनो निवासी मुस्तफा के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं सुजानगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल महावीर ने टावर लोकेशन के आधार पर लाडनो के पास गांव दुजार के पास मोबाइल चोर को एक होटल में दबोच लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आदतन चोर है मुस्तफा, जिसके पास से चोरी किए मोबाइल के साथ साथ 5 मोबाइल और बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चोर को अभी तक हिरासत में ले लिया और इसी के साथ ही समय रहते गिरफ्तारी भी वो किया जाएगा। सिवाना क्षेत्र के मोगलसर कस्बे में प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 के तहत अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करवाने के लिए मंगलवार को राजीव गांधी सेवा केंद्र मोगलसर में उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान के सानिध्य में प्री कैंप आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सरपंच घेवरचंद सेनी ने की। अकाल की मार के साथ लॉकडाउन अवधि में आमजन त्रस्त हो गया है, प्रशासन के सहयोग से आमजन को सुविधा देकर इन्हें राहत प्रदान की जाए। शिविर में इस बात को गंभीरता से लिया गया है। वहीं राज्य सरकार द्वारा कृषकों एवं आमजन की समस्याओं का मौके पर समाधान करने तथा जन उपयोगी योजना का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर से प्रशासन गांव के संग अभियान 17 दिसंबर तक चलाया जाना है। इस मौके पर 19 विभाग के संबंधित अधिकारी, कर्मचारी गण, जनप्रतिनिधि व मीडिया कर्मी मौजूद रहे। एसटीआरएफ राजस्थान सेना नायक पंकज चौधरी आईपीएस ने दिनांक 14 सितंबर 2021 को बीकानेर संभाग में तैनात जी कंपनी का विजिट किया और इसी दौरान सेना नायक कंपनी कार्यालय, कंपनी स्टोर, जवान मेस, जवान बैरिक, परिवहन शाखा आदि का निरीक्षण किया गया। उपकरणों के रखरखाव एवं हैंडलिंग को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा संपर्क सभा का आयोजन किया गया। इसके पश्चात जवानों द्वारा भूकंप के समय एवं घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगने पर किस प्रकार बचाव किया जाता है उसका भी प्रदर्शन दिया गया है। इसी दौरान शैलेंद्र सिंह आईपीएस, रामनिवास बिश्नोई सहायक कमांडेंट एसटीआरएफ, देवकरण संचित निरीक्षक पुलिस लाइन बीकानेर, चरण सिंह लाइन ऑफिसर, जी कंपनी प्रभारी जगदीश सिंह हेड कांस्टेबल पुलिस लाइन के जवान एवं अन्य स्थानीय नागरिकगण उपस्थित रहे। राजस्थान पुलिस की साख को खत्म करने वाले निलंबित डीएसपी हीरालाल सैनी और महिला पुलिसकर्मी राजेश कुमारी का बहुत बड़ा सेक्स रैकेट है। महिला कांस्टेबल राजेश कुमारी ने अपने पति खेमाराम को छोड़ रखा है तो वहीं अपने 6 वर्षीय पुत्र के साथ वो रहती हैं। सेक्स के इस खेल में राजेश कुमारी ने मां होते हुए भी अपने मासूम को शामिल कर लिया। महिला पुलिस के साथ स्विमिंग पूल में अश्लील हरकत करने के आरोपी आरपीएस हीरालाल सैनी और महिला कांस्टेबल
राजेश कुमारी को जल्द बर्खास्त करने के आदेश जारी हो गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं कि सैनी को अविलंब बर्खास्त किया जाए। मालवीय नगर के SFS कॉलोनी स्थित फ्लैट नंबर 9/908 में रहने वाले सैनी बड़े अमीर तरीके से रहता है। झुंझुनू के बड़गांव निवासी हीरालाल की राजनीतिक पहुंच बहुत बड़ी बताई जाती है। जब ये JDA में तैनात था तब इसने बिल्डिंग बायलॉज का धत्ता बताते हुए अवैध निर्माण किया। JDA में जब इस संबंध में शिकायत भी की गई थी तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक SP ऑफिस नागौर को 10 अगस्त को एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ और जानकारी के मुताबिक हीरालाल के और भी कई महिलाओं के साथ चक्कर चल रहा था। हीरालाल को चिकित्सा विभाग में काम करने वाली एक महिला के साथ भी कई बार देखा गया। राजनीतिक पहुंच होने के चलते हुए इसकी हमेशा कमाई वाली जगह ही पोस्टिंग रही। अजमेर रोड पर इसका एक फार्म हाउस और जयपुर बजमेर में एक दर्जन से ज्यादा प्लॉट और मकान है। मालवीय नगर स्थित फ्लैट की कीमत करोड़ों से भी ऊपर बताई जाती है। SOG इस बात की पड़ताल कर रही है कि वीडियो किसने बनाया और क्यों बनाया। कुछ लोगों का कहना है कि ब्लैकमेल करने की कोशिश से राजेश कुमारी ने ही अपने किसी अन्य प्रेमी की मदद से यह वीडियो बनाया है। सूत्रों के अनुसार राजेश कुमारी के चाल चलन से अधिकांश लोग वाकिफ हैं। शरीफ पुलिसकर्मी इसकी परछाई से काफी दूर भागती है। फिलहाल के लिए इन खास खबरों में इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप जुड़े रहिए मरुधर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।